विश्व के संताप सब धोए गए हैं, धूल के कण रक्त से धोए गए हैं। अरे पांव के बल मत चलो, अपमान होगा, सिर शहीदों के यहाँ बोए गए हैं। ये धरती सिर शहीदों के यहाँ बोए गए हैं, जहाँ सिर शहीदों के बोए जाते हैं, उस भारत माता के चरणों में प्रणाम निवेदित करने के लिए मैं ओज के वरिष्ठ कवि आदरणीय डॉक्टर राम बाबू शुक्ल जी को आमंत्रित करता हूँ। वे आए और अपनी कविताओं से आज के इस कवि सम्मेलन को गति दें। हम शब्दों के साधक हैं, गायक नहीं हैं, हम कविता के नायक खलनायक नहीं हैं, अब कहें कुछ करें कुछ ये आदत नहीं है, हम कभी कोई सांसद विधायक नहीं है। बढ़िया है, कुछ करे कुछ ये आदत नहीं है, हम कभी कोई सांसद विधायक नहीं है। और सत्य को सत्य लिख दिया करते, सत्य को सत्य लिख दिया करते, फिक्रे अंजाम कब किया करते, और कलम बेखौफ होकर चलती है, कभी डर के कब जिया करते। माँ बाणी के चरणों में प्रियंका जी ने जहाँ से बात प्रारंभ की थी, मैं एक छंद पढ़ता हूँ। माँ बाणी से निवेदन किया है, राष्ट्रीय चेतना का कवि हूँ, ओज का कवि हूँ, और उस धरती से आया हूँ जो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अस्थाकुल्ला खान ठाकुर रोशन सिंह परमवीर चक्र विजेता जतना सिंह की धरती है, तो कारगिल में शहीद रमेश की धरती है। उस धरती से आप मध्याय मास वाणी से निवेदन किया है, ये वीर उसका कवि राम बाबू शाहजहांपुर शहीद की धरती से माँ से क्या निवेदन करता है। कनक भाई, हाँ, निवेदित करता हूँ, माँ से निवेदन किया है कि कोई सारी सृष्टि का खजाना चाहे दान करे दास की तुम्हारी की तुलेखनी भी के नहीं। कोई सारी सृष्टि का खजाना चाहे दान करे दास की तुम्हारी किंतु लेखनी भी के नहीं। और भारती की आरती उतारू काव्य रश्मियों से राष्ट्रवादी गीत लिखूं लेखनी थके नहीं, राष्ट्रवादी गीत लिखूं लेखनी थके नहीं। तो प्रहरी समाज का है कभी मां तू बीणा पाणी शीश कट जाए किंतु लेखनी झुके नहीं। याचक हूं याचना है एक बार मांगता हूं सत्य लिखने से कभी लेखनी रुके नहीं। याचक हूं अब एक छंद धरती के नाम से पढ़ता हूँ जहां से मैं आया हूँ। आइए एक छंद अपने परिचय का पढ़ते हैं, उस धरती के परिचय के पढ़ता हूँ जिस धरती से मैं आया हूँ। कि दम्ब किया खंड खंड वीरों ने फिरंगियों का ऐसे रण बांकुरों की शान लिखता हूँ मैं। कि दम्ब किया खंड खंड वीरों ने फिरंगियों का ऐसे रण बांकुरों की शान लिखता हूँ मैं। परमवीर चक्र के विजेता जदुनाथ सिंह राष्ट्र के प्रणेता का ही मान लिखता हूँ मैं। तो वीर वशफाक वीर बिस्मिल ज्ञानवान रोशन शहीद का बखान लिखता हूँ मैं। शाहजहांपुर है शहीदों की पवित्र भूमि इसीलिए वीरों का ही गान लिखता हूँ मैं। इसीलिए मित्रों एक छंद और पढ़ता हूँ कि सच्ची राष्ट्र भक्ति के पुजारी स्वाभिमानी वीर नेताजी सुभाष बलिदानी को प्रणाम है। सच्ची राष्ट्र भक्ति के पुजारी स्वाभिमानी वीर नेताजी सुभाष बलिदानी को प्रणाम है। और राष्ट्र आन मान हित जंगलों की धूल छानी राणा की दुधारी की रवानी को प्रणाम है। तो गोरे गोरे गोरों के कलेजे के तार तार लक्ष्मी मर्दानी की कहानी को प्रणाम है। सैकड़ों सपूतों ने कटाए शीश देश हित ऐसे सूर वीरों की जवानी को प्रणाम है। एक वो नेता थे जो अपना सर्वस्व देश पर न्योछावर करके चले गए, हमें आजादी दे गई। उसी देश में जब भारत तेरे टुकड़े हो गए, हिंसा अल्लाह हिंसा करने वाले कर्णधार हमारे देश के सांसद देश के हृदय में बैठकर संसद भवन में बैठकर जब अनर्गल टिप्पणी करते हैं, जब असंसदीय भाषा का चलन होता है, तो राम बाबू शुक्ल आपके सदन में खड़े होकर कड़ी टिप्पणी करने की हिम्मत करता है। आप समर्थन करने की हिम्मत करिएगा, जो कह रहा हूँ यदि आपको लगे सटीक कह रहा हूँ तो समर्थन करिएगा। कि कर्णधार देश के हमारे बड़े बोले हुए भाषा है विशैली बोलो भोड़े लगने लगे। कि कर्णधार देश के हमारे बड़े बोले हुए भाषा है विशैली बोल भोड़े लगने लगे। ला इलाज रोग की शिकार मनोवृत्ति हुई कैंसर के रोग जैसे फोड़े लगने लगे। तो जनहितकारी तर्क संसद में होते नहीं संसदीय कार्य में भी रोड़े लगने लगे। वोट राजनीति की जुगाड़ में लगे हैं तभी ऐसे नेता बेलगाम घोड़े लगने लगे। ऐसे नेता बेलगाम घोड़े। मित्रों इस भारत चाहे वो सिपाही हो सैनिक हो जवान हो किसान हो व्यवसायी हो व्यापारी हो किसी को भी राष्ट्र के संविधान से खेलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। साहब देश की गरिमा से खेलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। तब एक कल्पना छंद के रूप में करता हूँ कि मेरा ही विचार नहीं सभी का विचार यही सत्ता तो किसी की नहीं दासी होनी चाहिए।
मेरा ही विचार नहीं, सभी का विचार यही, सत्ता तो किसी की नहीं, दासी होनी चाहिए। और चाहे हो महीन या महान, माननीय कोई लेश नहीं, इसमें उदासी होनी चाहिए। तो देश संविधान स्वाभिमान से जो खेलते हैं उनकी सजाएं अच्छी खासी होनी चाहिए। खाते यहाँ और गाते पाकिस्तानी गीत, ऐसे देशद्रोहियों को फांसी होनी चाहिए। खाते यहाँ और गाते पाकिस्तानी गीत, और पाकिस्तान का नाम आ ही गया है तो एक छंद पढ़ देते हैं। स्वागत है, स्वागत है, पहले माला पहला। कुछ पंक्तियां और छंद रूप पढ़ देते हैं भैया कि पाकिस्तान का भविष्य अब क्या है, कि कई बार हार चुका देश के नेतृत्व से कहा है धारा 370 हट गई, कश्मीर हमारा हो गया, लेकिन उस कश्मीर पर वार्ता हो जानी चाहिए, उस पर आवश्यकता है उसे वापस लेने की, जो गुलाम कश्मीर है। तो एक छंद लिखा है कि कई बार हार चुका जंग में पड़ोसी, किंतु चाहत है शेष भी पूरी कर दीजिए। कई बार हार चुका जंग में पड़ोसी, किंतु चाहता है शेष भी पूरी कर दीजिए। रोज धमकाता है डराता है मैं रोज रोज, एक रोज आप भी धमाका कर दीजिए। तो पाक के अधीन कश्मीर को कराए मुक्त, एक बार जंग आर पार कर दीजिए। तो पूरे होंगे भारत के दौर, एक बार में ही गाल पे तमाचा जोरदार धर दीजिए। और ये हो क्यों नहीं पा रहा, ये क्यों नहीं हो पा रहा कि दादा अमरीका का तरीका है विचित्र, जहां देखो वहां टांग पेले देने में प्रवीण है। कि दादा अमरीका का तरीका है विचित्र, जहां देखो वहां टांग पेले देने में प्रवीण है। और यूएसए के कान भरते हैं कौन देश, फ्रांस इंग्लैंड, ऐसे कृत्य में प्रवीण है। और चाहते हैं पूरा विश्व नाचे नचाए, जैसे इसी योजना में नित्य रहते लीन है। और भक्त की पुकार पूरा विश्व ललकार, कहे पूरा विश्व क्या है तेरे बाप की जमीन है। और एक कविता पढ़ना चाहता हूँ, उस विषय पर अभी चर्चा नहीं हुई। मित्रों, मुझे क्या आपको भी अच्छा नहीं लगा होगा, जो हमारे 40 सैनिक चीन, जो हमारे 40 सैनिक चीन सीमा पर चीन द्वारा धोखे से मारे गए, तो वो हमारी धरती में शहीद हुए, तब मुझे वो अच्छा नहीं लगा। तब देश के नेतृत्व के नाम में कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं कि हमारी सीमा के अंदर चीन ने घुसपैठ करके और धोखे से हमारे 40 सैनिकों की हत्या कर दी। तब पंक्तियां लिखी गई और पढ़ी जाती है आपके मध्य कि जिस धरती के गौरव को इतिहास नमन करता है, जिस धरती के गौरव को इतिहास नमन करता है, उस धरती का पौरुष क्यों पान सहन करता है। और सदियों से निज गौरव पर जिसको अभिमान रहा है, दुश्मन उसकी आन बान पर भक्ति तान रहा है। और बच्चे तक इच्छा रखते हो जहां आन पर मरने की, चिंता करनी नहीं चाहिए उस धरती को डरने की। अरे नित्य नित्य घास पर घास सहन कर मौन साध लेते हो, मस्तक पर कायरता का नित मुकुट बांध लेते हो। अरे सहनशीलता की भी कोई सीमा निर्धारित होती, इससे ज्यादा सहनशीलता भी तो कायरता होती, इससे ज्यादा सहनशीलता भी तो कायरता होती। अरे गालवान से डोकलाम तक कितनी बार सहा है, अरे गालबांग से डोकलाम तक कितनी बार सहाय, अपनी धरती की आंगन में अपना खून बहाए। और देख चीन सीमा का मंजर, बच्चा बच्चा शर्मिंदा है, लेकिन पापी चीन धरा पर आज अभी तक जिंदा है। है है नहीं सत्य तो बतलाओ कि चीनी सैनिक खड़े हुए और मौन तुम साथ सामने अमेरिका के खड़े हुए, लगता राष्ट्रीयता की रक्षा करना तुम भूल गए, सत्ता की मदहोशी में दायित्व राष्ट्र का भूल गए। हो मोदी जी सिंह, अगर तो सिंह हो जैसा काम करो, भगत सिंह सुखदेव सिंह के जैसा तुम भी नाम करो। अगर मगर की भाषा को यदि अभी अपनाओगे, गालबान डोकलाम की जैसी घाते फिर पाओगे। और बतलाना औकात दरिंदों को अब तो मजबूरी है, सीमा के उस पार फौज का जाना बहुत जरूरी है, सीमा के उस पार फौज का जाना बहुत जरूरी है। और इसी से संदर्भित एक छंद पढ़ता हूँ, ये छंद आप लोगों के समक्ष फेसबुक पर को वायरल हो रहा है। जिस दिन ये घटना हुई थी उसी दिन लिखा गया, उसी दिन पढ़ा गया, ये खूब बड़ी संख्या में इसे लोग आज भी देख रहे हैं। वो छंद कि सीमा पर सीना तान तेश में खड़ा है चीन, दोगले की बाजू को मरोड़ क्यों न देते हो।
सीमा पर सीना ताना तैश में खड़ा है चीन, दोगले की बाजू को मरोड़ क्यों न देते हो, अब बासठ की घात का हिसाब भी तो लेना शेष, इसका घमंड सारा तोड़ क्यों न देते हो। तो सोचता है भारत की शक्ति है पुरानी बाली, दम्ब करो चूर तोपे मोड़ क्यों न देते हो, बमों का भविष्य में अचार क्या रखोगे आप, एक परमाणु बम फोड़ क्यों न देते हो बमों का। और दो तीन छंद आनंद पढ़ते हुए विदाई लेना चाहूंगा। मित्रों चुनाव हो रहा है, अब प्रधानी का चुनाव हो रहा है, हमारा मन हो रहा है कुछ पढ़ दिया जाए, यहाँ भी ग्राम पंचायत आप भी लोग मतदान करेंगे, हम पूरे परिवेश की बात करते हैं, पूरे प्रदेश की बात करते हैं कि प्रधान जी खड़े हुए हैं निवर्तमान प्रधान और वो चलकर मतदाता के मध्य जाते हैं और तब उनसे वो मतदाता है तो निश्चित रूप से अब इस समय जब चुनाव के दरमियान वो पावर में आ जाता है तो वो सवाल करता है कि कहाँ रहे पांच साल, कहाँ रहे पांच साल पहले बताओ आप, आज फिर वोट मांगने को चले आए हो। सुन लो भैया आनंद आनंद आ जाएगा आप चुनाव कि कहाँ रहे पांच साल पहले बताओ आप, आज फिर वोट मांगने को चले आए हो, तो कहाँ गए हैंड पंप पहले बताओ आप, बिजली के खंभ को लगाने चले आए हो, तो लिंक रोड वाली घोषणा भी नहीं पूरी हुई, अस्पताल यहाँ खुलवाने चले आए हो, और झूठी घोषणा से तंग बैठे सारे गांव वाले लालीपॉप फिर से दिखाने चले आए हो। तो प्रधान जी बड़े सहनशील थे, प्रधान जी कैसे अपनी गलती स्वीकारते, क्या कहते हैं कि पांच साल सूरत दिखा न सके सत्य बात आप दिल खोल, पांच साल सूरत दिखा न सके सत्य बात आप दिल खोल, खूब निंदा कर लीजिए, और सत्ता की खुमारी ने हमारी मतमारी साली सारी है आप मतदाता शर्मिंदा कर लीजिए, तो फिर से शिकायत मिलेगी नहीं आगे फिर, चाहे इसी गांव का बासिंदा कर लीजिए, सबकी समस्त मांग पूरी होगी एक एक फिर से जिता के हमें जिंदा कर लीजिए। और हम जीत गए तो क्या होगा कि हमको जिता दिया चुनाव में तुम्हारी कसम, इस बार हम क्या करेंगे, हमको जिता दिया चुनाव में तुम्हारी कसम, झाड़ी झंकाड़ गुलदस्ता कर देंगे हम, और द्वारे पे तुम्हारे चल आएगा दुकानदार सारा सामान अति सस्ता कर देंगे हम, तो जीटी रोड देख देख होगा शर्मिंदा गांव की तुम्हारी ऐसी रास्ता कर देंगे हम, और छोटे मोटे शहरों की बात करता ही नहीं गांव को तुम्हारे कलकत्ता कर देंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।